बीज ने दे दिया फसल को, तो अभी वो ट्रैक्टर वाला उधर गया है। बीज और खाद हमने जो है मिक्स कर लिया, अब इसको जो है सारे खेत में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह से काम लगा हुआ था, तो अभी टाइम हो चुके तकरीबन 2 बजे का, और सुबह 8 बजे से काम लगा हुआ था। यहाँ पर आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि यहाँ पर चावल की फसल थी और उसको काट दिया सारा दिन लग के, और जो वो परियाँ उसे कहते हैं मैं अपनी ज़बान में पंजाबी में, तो वो हमने घर ले गए हैं। वो जब फारग होंगे, जब टाइम लगेगा, तो उसकी फंडाई करके जो चावल हैं वो अलहदा कर दिए जाएंगे। तो अभी जो है ना, अनस भाई मुझे मिले थे, मैं सोच रहा था सुबह से कि मैं ब्लॉग शेयर करूंगा गंदम की फसल उगाने का, तो बाई चांस खुशकिस्मती से अनस भाई मिल गए और कैमरा मैन मुझे मिल गए, तो जो कुछ सीन थे वो अनस भाई की मदद से शूट कर लिए हैं। तो वीडियो जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, तकरीबन शाम 8 बजे तक वीडियो आ जाएगी। और अनस भाई ने भी अपने चैनल के लिए जो व्लॉग वो शूट किया, तो अनस राजपूत ऑफिशियल व्लॉग चैनल का नाम है, वहाँ जाकर उसको सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। बीज ने दे दिया फसल को, तो अभी वो ट्रैक्टर वाला उधर गया है। देखिए, बीज और खाद हमने जो है मिक्स कर लिया, अब इसको जो है सारे खेत में डाल देंगे। आप देख सकते हैं बीज तो हमने खिलार दिया, पंजाबी जबान में जिसको कहते हैं बी खिलारना, बीज तो हमने दे दिया, तो वो भी ट्रैक्टर वाला उधर गया है। तो उधर से यहाँ पर 2 दफ़ा पहले इसको जो है वो बुआई से कर दिया, जिसे पंजाबी में बुआई कहते हैं, तो सुहागा इसे कहते हैं, बहुत बहुत है ये। तो अब 2 दफ़ा बीज मैंने डाल दिया है सारे ज़मीन में, तो 2 दफ़ा जो है ना इस पर सुहागा जो है वो लगाया जाएगा और ज़मीन जो है वो प्रेस हो जाएगी, तो फिर काम ख़त्म। तो चावल की जो फसल है उसका बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, पहले दिन से पानी लगाना पड़ता है और आखिर तक, लेकिन जो गंदम की फसल है वो बआसानी हो जाती है। क्यों अनस भाई? सही बात है, जिन्होंने पहले बी खिला रहा था पंजाबी जबान में दसने है, ठीक है, सुटिया जिन्होंने, हां, तो ट्रैक्टर वाला साइड पे गया उन्होंने पहली बार, उन्होंने उठवा वाला थे 2 दफा वाएगा, तो फिर 2 दफा सवा का मारेगा, साडा काम खत्म हो गया, साडा काम खत्म, फिर एक पानी लाना है, ठीक है, पानी ला के कने कोई कमक होगी, बस जड़ी चावल दी फसल है वो तो बंदे ने यार साथ चार चल, मुश्किल है क्यों कोनो रोज दिहाड़ी पानी लाने पंदा ते यार थोड़ा सा आसान काम है, हां, 2 या 3 पानी लाने पंदा सारी फसल ते खर्चा थोड़ा सा काट है, हां बिल्कुल, दुमे पाए नहीं जाते, गल याद आ गई है, गल आ करन लगे कि यार ओने सुहागे नूर दूज की बोली है, सुहागे नूर दूज, सुहागे या की दा सुहागा की दा या काम इतना था कि सुबह से जो है वो खाना नहीं खाया और अब भूख काफी ज्यादा लगी हुई है, तो अब ट्रैक्टर वाले का वेट हो रहा है यहाँ पर, अब वो आएगा तो सुहागा जो है वो लगा कर हम घर चले जाएंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि 2 बजे का टाइम हो गया, सारा दिन काम किया, काफ़ी बिजी दिन गुजरा है ये, काफ़ी बिजी दिन, और अनस भाई सुबह से पता नहीं कहाँ गए हुए थे, अभी आए। अरे मामा बोतल पाक जाते कर देंगे तो ये है भाई हमारे नासर भाई, जो कि टिकटॉक स्टार हैं, टिकटॉक पर वीडियो पहले बनाते थे लेकिन आप छोड़ दिया क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। और नासर भाई क्या हाल चाल है, सब कह रही था सपोर्ट। तो वहाँ पर आउटरो मैंने शूट किया था नासर भाई और अनस भाई के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेव नहीं हुआ, पता नहीं कौन किस वजह से। तो अब टाइम हो चुका है तकरीबन
4:40 हो चुके हैं और टाइम शाम का हो चुका है और तकरीबन आज सारा दिन काम किया, सारा दिन बहुत ही बिजी गुजरा है। तो उम्मीद करते हैं ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और ये स्वेटर इसलिए पहना मैंने कि शाम को यहाँ पर सर्दी हो जाती है और दिन को मौसम ठीक होता है लेकिन शाम और सुबह को सर्दी होती है थोड़ी सी इसी वजह से। तो उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।